जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिव शिव जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण। जय श्री महाकाल। आदेश, मैं चंदननाथ अघोरी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंदननाथ अघोरी शिव शक्ति तंत्र मंत्र के अंदर में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन साधना लेकर आया हूँ, और ये जो साधना है ये सूरत प्रिया किन्नरी की साधना है, जो अपने आप में बड़े ही लाजवाब साधना है। और जो सूरत प्रिया किन्नरी है ये बड़े ही उग्र स्वभाव की किन्नरी है, और इनकी कार्य क्षमता भी बड़ी लाजवाब की है। यानी जो सूरत प्रिया किन्नरी है इनकी जितनी तारीफ की जाए इतनी कम ही कम है, क्योंकि ये जो किन्नरी प्रजाति है और इनके जो कार्य क्षमता होती है ये भी गजब की होती है। जो किन्नर होती है, किन्नरी जो होती है, ये भी एक देव योनि में से योनि है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो इनका कार्य होता है वो देवलोक में नृत्य करने का कार्य होता है, और ये नृत्य में निपुण होते हैं और आकर्षण शक्ति बड़ी गजब की और लाजवाब होती है। यानी कि अगर कोई साधक सूरत प्रिया किन्नरी की साधना कर लेता है तो उसका जीवन बदल कर रख देती हैं, संसार का हर वो सुख देती हैं साधक को जिसकी साधक कामना करता है, चाहे वो धन से जुड़ा हो, व्यापार से जुड़ा हो, या फिर कोई भी। हर असंभव कार्य को करने की क्षमता है इनमें। और भी एक बात और बताऊंगा जो इनका विशेष महत्व है। विशेष महत्व ये है कि अगर इनकी साधक कोई साधक साधना कर लेता है या शादी का, तो उसके अंदर एक सम्मोहन उत्पन्न होने लगता है, यानी वशीकरण, आकर्षण, अट्रैक्शन आ जाता है उसकी आँखों में मैग्नेट की भांति। और जो जो किन्नरी होती हैं बड़ी ही लाजवाब होती हैं, और ये वरदान देने में और श्राप देने में भी समक्ष होती हैं। किसी पे अगर प्रसन्न हो जाए तो उसकी तो, यानी उसका जीवन तो सफल ही हो जाएगा। तो इनकी जो साधना होती है थोड़ी टफ होती है, या टफ का मतलब है कि इनकी साधना में साधक को कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए, बड़े ध्यान से पूरे विधि विधान से इनकी साधना करनी चाहिए साधक को। तो अगर कोई साधक इनकी साधना करता है तो उसे भूत भविष्य की जानकारी देती हैं, और ये इतनी पावरफुल हैं कि इनके माध्यम से आप किसी की निगेटिव एनर्जी को भी हटा सकते हैं। और कहीं किसी के मकान में या फार्म हाउस वगैरह बिल्डिंग में, पुरानी बिल्डिंग हो या फिर ए टू जेड कहीं की, अगर कोई साधक स्कैनिंग करना चाहता है तो इनके माध्यम से स्कैनिंग कर सकता है। यानी कहीं किसी जगह पे किसी यानी निगेटिव एनर्जी का वास है, और वहाँ पे यानी रात के समय आवाज़ें आती हैं या कोई और एक्टिविटी होती है, जैसे कि बर्तनों का खुद गिर जाना या टीवी खुद से चल जाना, खुद बंद हो जाना, या फिर फैन खुद से चल जाना, इस तरीके की पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो होती है, तो वहाँ की स्कैनिंग भी आप कर सकते हैं।
और इनके माध्यम से किसी भी निगेटिव एनर्जी को आप हटा सकते हैं, क्योंकि जो सूरत प्रिया किन्नरी हैं ये थोड़े उग्र स्वभाव की हैं और इनकी शक्ति भी लाजवाब है और इनकी कार्य क्षमता भी लाजवाब है। किसी का भी मिनटों में यानी भूत भविष्य बता सकती हैं, किसी के बारे में बिल्कुल सटीक अगर जानकारी आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल सटीक जानकारी मिलेगी आपको, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं आप इनके माध्यम से। मैं यूँ कहूँगा कि दुनिया भरी की जो साधना है, ये कर ली वो कर ली, भूत की प्रेत की ये ऐसी वैसी साधनाओं को ना करके आप ये साधना करें और फिर देखिए अपने जीवन में कैसे परिवर्तन होता है आपके जीवन में। तो साधना करें और लाभ उठाएं, इनके माध्यम से कितनी बड़ी निगेटिव एनर्जी हो, चाहे वो मसान हो, कच्चा कलवा हो, ब्रह्म राक्षस हो, या भूत प्रेत शैतान चुड़ैल साकनी डाकनी, यहाँ तक कि किसी भी निगेटिव को एनर्जी को हटाने में समक्ष 2 मिनट में हटा सकता है कोई भी साधक इस साधना के माध्यम से। बड़े ही पावरफुल शक्ति है इनकी और तरह तरह का ज्ञान देती हैं साधक को, और ये प्रत्यक्ष साधना है। प्रत्यक्ष सूरत प्रिया प्रिया किन्नरी की साधना है, जो हमारा मार्ग यानी अघोर मार्ग से है। तो साधना करें और लाभ उठाए, तो साधना सुन लें, ये साधना 11 दिन की साधना है और 11 दिन में 1.25 लाख जाप करना है। आप साधना किसी भी बुधवार से शुरू कर सकते हैं। एक लकड़ी की चौकी ले लें, उस पर दीपक प्रज्वलित कर लें तिल के तेल का, उस पर एक वस्त्र बिछा लें सफेद और दीपक प्रज्वलित करें, उसके ऊपर थोड़े गुलाब के फूल रख लें और दीपक प्रज्वलित करें। भोग में 5 प्रकार की मिठाई रखें, एक मीठा पान रखें और शराब रखें। साधना आप किसी भी बुधवार से शुरू कर सकते हैं। दिशा आपकी पूर्व रहेगी, आसन आपका कुशाका रहेगा, वस्त्र आपके लाल रहेंगे। अगर आप चौकी पर लाल वस्त्र बिछा लें तो और बेहतर है। तो भोग में 5 प्रकार की मिठाई रखें, शराब रखें, एक मीठा पान रखें और साधना आप संकल्प लेकर भी कर सकते हैं बिना संकल्प। साधना के पहले दूसरे दिन से ही दिव्य अनुभव शुरू हो जाएंगे होने साधक को। साधना कक्ष में आपको गुलाब की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, किसी की पायल की आवाज़, हंसने की आवाज़, थोड़ी सी डरावनी भी आ सकती है, तो डरने वाली जैसी कोई बात नहीं है। कोई भी साधक और साधिका बड़े आराम से कर सकता है साधना। पे बैठ जाएं, एक माला गुरु मंत्र की करें, एक गणेश मंत्र की करें, इष्ट का आह्वान करें और साधना शुरू कर दें। तो बाकी कोई तामझाम की ज़रूरत नहीं है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। साधना आप संध्या 8 बजे से शुरू करें और 11 दिन में 1.25 लाख जाप करना है। कोई भी साधक बड़े आराम से कर सकता है। साधना के अंतिम दिन वही आपको 11 माला से आहुति करनी है, आहुति की चीज से करनी है। सभी साधनाओं की भांति पहले मंत्र सुन लें। मंत्र है ओम ह्रीम सूरत प्रिया आगच्छ आगच्छ स्वाहा। बड़ा सिंपल सा मंत्र है, मंत्र एक बार सुने, ओम ह्रीम सूरत प्रिया आगच्छ आगच्छ स्वाहा। कोई भी साधक बड़े आराम से कर सकता है। अब आहुति की चीज से करनी है वो भी सुन। आहुति करनी है आपको 11 माला से। ग्यारह माला से आहुति करें, हवन सामग्री लें, जौ लें, काले तिल लें, गूगल, इलायची, लौंगे, शक्कर, चमेली का तेल और घी और शराब और गुलाब के फूल ले लें। इन सबको मिक्स कर लें, घी और शराब किसी अलग पात्र में कर लें और 11 माला से आहुति करें। आहुति करते ही साधक को
सूरत प्रिया किन्नरी प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं और सिद्धि प्रदान करती हैं, तो साधना करें और लाभ उठाएं। अगर कोई साधक हमारे मार्गदर्शन में साधना करना चाहता है तो संस्था पूरी मदद करेगी, पूर्ण रूप से मार्गदर्शन किया जाएगा और साधक को साधना संपन्न कराई जाएगी। तो अगर कोई साधक साधना करना चाहता है किसी भी प्रकार की, जो YouTube पर हमने दे रखी है, तो हम पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। तो जिसे हमारे मार्गदर्शन में करना चाहता है तो संस्था के नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है, नंबर वही है 9639857509। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री महाकाल।